कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों की ऋण माफी योजना और भूमि अधिकार अधिनियम को अब भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है। यह सीधे सीधे किसानों के साथ धोखा है। किसानों के मसले पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आखिर किसानों को खाद बीज क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह खाद बीज कहां जाता है। खाद बीजेपी के उन नेताओं के पास जाती है जो नकली खाद बनाते हैं। मैं हर मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने का समय मांगता हूं ताकि किसानों की बात को उनके सामने रख सकूं, लेकिन फिर भी मिलने का समय नहीं देते हैं। जब तक मिलने का समय नहीं देंगे हम समय मांगते रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1993 से लेकर 2003 तक कांग्रेस की सरकार के समय किया गया था। किसानों को जितनी भी खाद चाहिए उसको प्राथमिक सहकारी समिति में उपलब्ध करा देंगे और बोनी के पहले उसकी खाद बुला ली जाती थी। कांग्रेस सरकार में कभी एक बोरी की भी कालाबाजारी हुई हो तो आप जो दंड दें वो स्वीकारता हूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद आधा कोटा प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया है। खाद के विक्रय में जबरदस्ती किसानों से वो सामान भी खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो कि नॉन फर्टिलाइजर है, जो कि फर्टिलाइजर है ही नहीं। कई जगह तो उन्होंने मार्केटिंग के हिसाब से अन्य वस्तुओं को भी कहा जाता है कि तुम इस हमारे को हमको इतनी खाद तब देंगे जब इतना सामान इसके अलावा तुम खरीदो, जो कि केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। इसके आने के बाद जो हम लोगों की व्यवस्था थी कि 100% खाद सहकारी गोदामों से बटेगी, उसको बदल दिया और लगभग 40-50% जो खाद का कोटा आता है वो प्राइवेटों को सौंप दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।